यो जाता है परि निष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावित स्वर्ग भी कल्याणा नित्यता निपंच सततम कुरंतु ते मंगलम कुरंतु मंगलम इत्थम त्रिजिन मंगलाष्टक मिदम सौभाग्य संपद प्रदम कल्याण ये सुमहोत्सव सुधेय तीर्थंकरणामुसाह ये श्रणवंती पठंती धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रपी मंगलाश्रय स्रोत्र श्रेया पद्मिकास वारमणि स्याद्वाद मणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्यो घृचितामणि अस्राताक्षा मुक्तरमणी सामंतमुक्तामणि श्रीमान्देविरोमणि विजयते श्रीवी तग प्रभु आहारा भय सदसा सां दत्तावधान खंडस्फुटीतालोदारिकीनाण यात्रा प्रतिष्ठा सप्त क्षेत्रधन वितरण शीलाना तर्कव्याकरणोलकार साहित्य संगीत का भी नाटका विधान सात्साह मधोत्कर्म सामनाकुल कमल्मा तौराण श्री चतुर्मी सी तीर्थंकरीमूल संग पुण्याथ मंगलार्थम तुषिपुष्टि आग्याजनक्रिमाणे दिनेसराभिषेके सर्वे जना सूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु 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 अब से एक प्रारंभ हो रहा है भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा ले हाथ धो ले और जल के गलत हाथ में ले जय अभिषेक विधि मैं कल्याण लेकिन यही है लोग भन को सुख शांति देती स्वामी करो नमो नमे जल से तुम्हारा ओम रीम त्रीम क्लीम ऐ मर हम मम हम समम झम झिम झिम छिम छिम ध्राम ध्राम ध्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नमो स्वाहा उदक चंदन तन लुल पुष्प कही चरसुदीपुभ की गई धवल मंगलकांध वाकुल दिन गृहित नाथ महामेदे ओम रीम श्री दिन नृपाती स्वाहा नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समल है पीयूष स्वाद है इस नारिक रस से अभिषेक करके चाहू प्रभु वचन इसके सदृश हूँ ओं ह्रीं छ्रीं क्लीं हर वम हम सम तमपम झम झम झीं जीं छीं छीं द्राम द्रा दीं दीं द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते रसाभिषेक करो नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुलपुष्पकस दीपसधुपलाकिक धवल मंगलकांदवाकुले जिनग्रहित महामे ओं ह्रीं श्री दिने नमाघ्यम नृपाई ती स्वाहा इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य शिक्षुका है हे नाथ नाथयाप अभिषेक करु अभी मैं दीर्घायु सकते बड़े मेरे वचन ते कर्ण साय नमो ओं श्रीं क्लीम ऐमर हम बम हम समम झम झम झीं जीं क्षी क्षीम द्राम द्राम दीं द्रीं द्रवे द्रवे नमो रते भगवते श्रीमतीक्षषेक कौमी नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनु पुष्प कैयि चरस दीप की फुलायी धवल मंगल मंगलकांदवाकुले दिन गृृतनात्मज ओं ह्रीं श्री दिने नग नृपाई ती स्वाहा घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकरी संताप दूर कर, कर से देता घी से दिने अभिषेक करुँ अभी मे दीर्घावल शक्ति मधे शीसे ओं मीं श्रीं क्लीम रम बम हम समंपम झम झीम झीं छीं ठीं द्राम द्रा दीं द्रीं द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमती घृताभिषेक कौमी नमोर्ते स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प कई चरसु दीपसलाक धवल मंगलानकुले जीन महामिरे ओम श्री जिनेहा पूर्णा कि दूध तम रिश्व है हे नाथ क्षीरघट से कर्के मै कामदेन सोम प्राप्त कर लूँ ओम क्ली क्लर भम हम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीम दीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा उदग तंदन तनलल्पसुक ऐचरस दीपसुपफलार्कि गई दवल मंगलगा नवाकुले जिनग्रहितनाथ महजे ओमريم श्री जिनेंद्र नमार्गम रूपामिती स्वाहा दही जयेंद्र की आए कत्ति हुई क्या चीरो नदी बर्फ जमी अति मंगली के रस्य अभिषेक करके ते लोग मंगलमहिन्दस्यौ के, मंगल के पाऊ ओम श्रीं क्लि ऐम अर मम मम पं झम झम झीं जीं छीं द्रां द्राम द्रामध्री द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदनतनुपुष्पकैरस दीप सुपफलाकिय धवलमंगलकाकुलैदिनग्रहित नात्महामिधे ओम म्रिं श्री दिनेंदर्घ्य नृपामिती स्वाहा सर्वषधी एलालवंगकर्पूरसंदनादिनाना सुगंधकर्मनायलिने गन्द सर्वोषधि मिल सार्क साय से संसार रोग रहेतुरो न ओम रीम श्रीं क्ली मर वम हम समम झम झम झीम झीम क्षी छीं द्राम द्रां दी दीं द्रावे द्रवे नमो रते भगवते श्रीमते सीमते सर्वोषधी अभिषेक कौमी नमो रते स्वाहा उदक चंदन पुष्प तंदुपुष्पक चरस दीप सदूप फ्लाकि धवल कुले जिन ग्रहित ग्रहितनात्मि ओम रीम श्री दिनदाय नृपाई ती स्वाहा चतुष्कोण के चार चारकलश निवारण तृष्ण निवार पुण्यी मांगल द्रव्यकोण कलशे तैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के निर्षयों को ओम राम रीम रूम रोम रवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कोण कर्णाय कौण कलशलाभिषेक करो मृत स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीपुदार्घिकवल मंगलकांध वाकुल जिन गृहित नाथ महा मिजे ओम श्री दिनेमी ते स्वाहा चंदन मिलेपन ओम रीम ओं रीं चंदेपनम कौमी नमो रहा पुष्पृष्टि ओं म्रीं सिंह सुखप्रदायबृष्टि करो नमो रते स्वाहा।, स्वाहा मंगल आरती दग्द्युजलाक्षर मनोहरपुष्पदीप पात्रर्त प्रतिदिन महतारे मंगल सुखाले कामरा मारा तो मारातिको रोतारमी मंगल आरती आरतीव उदक चंदन पुष्प दीप मंगल तंदुपुष्पकस दीपस फलाकिकवल मंगलगाधवाकुले दिनग्रहित्तम ओम रीं श्रीनदाय नम चंदन मिलेपन पुष्पृष्टिमंगलाअर्घ्यम नृपाई ती स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश चूर्ण कर्पूरचूर्ण मलयागिरी चंदना दीना सुगंधि गंधाम अभिषेक प्रभु का ज्ञान मे आत्म ज्योति पाऊँ ओं ह्रीं श्रीं क्लीम अरह बम हम समम पम झम झम झीम झीम क्षीम शीं द्राम द्राम द्री द्रीं द्रावे द्रावे नमो भगवते श्रीमते पूर्ण पूर्णकलशेन अभसेचयामी नमो स्वाहा उदा के चंदन चंद्र पुष्प कई से दीप से दुप की कई धवल मंगल गांध बाकुल जिन ग्रह इतना महामिजे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमार के अंदर भामिति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले, ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्णा से दुष्कर्म साय दिव्य तेजो मुर्त नमा पाप शांतनाथाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व सर्व सर्वोगोपसर्वनाशायपरक शत्रुपतोपिनाश सामनाश ओम राम रीम रूम रोम राश्वत नम गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्भसंग संगपति अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन संगपति श्रीअस जैन श्रीमती सुर्भी जैन संगपति श्रीमती अनाम का निकुनिव्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धान जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरे चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र जैन पुत्र बधुरी ऋषा जैन पौत्रा जैन पौत्री नंदिनी जैन टी एम मुरादाबाद श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्याप्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रभात सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू वस्नापुर श्रीमती आरची जैनपुर संदीप जैन संदीव जैन अनुपम जैन सीचेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार काजलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकु जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जे सी जैन हरिद्वार इंजीनियर सी आर पाडिल सब देवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमहनलाल कास्तीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कास्तीवाल चांदवाड़ Workers, house, चार्या चार्या श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवण श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन साहब पुणे निवासी तपरवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रमोजनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समत पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन समत् पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञान असली बड़ी मोती नई दिल्ली कनाड़ प्लेस न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सप्रवार औरंगाबाद श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सप्रवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता शिविन्न पूजा गौरव पाडोरी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जयसराबादी जे जैन ध्यान जैन सिद्धा जैन अमर जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सु जैन नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशु निषा श्री दित्याम विनायका प्रभार सूरत श्रीमती ललताबाई भाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रभार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मिया आनंद नीतु सेठी चादिनी अभषेक पाठोदी शिवांगी सौरभ छापड़ाध्यक्षायम सरण सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अबाव श्री कमलेश रश्ना बिबुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्कुनी ऐसा इनामा पुणिया चार बीबी रपाव परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एन दिल्ली श्रीमती विमला देवी ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभास अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरेम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धनालाल मोहनलाल अजमेरा प्रभात धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेश संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरेस हावड़ा निवासी परिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य लावा संजय जैन अंजु जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन अमन आयुष्यम सुबी जैन खारी बा दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा जैन सुख शांति ओम विवाह विवाहित गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन नितिन चिद जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराजी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपति श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति तुझकर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन दिद्वी जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन शाह हाजन विकासपुरी दिल्ली श्रीमती विमला देवी जैन के पुत्र से नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अस्य आने मौसमी परिधि प्रकृत जैन बहराइच वाले लखनऊ श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवान श्री जैन सरजना उत्तर प्रदेश श्री पवन कुमार शाहैन प्रंस मुरुदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाटनुमाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज मनोजर कुमार सपरवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पास बैंक धनावत परिवार कटक मुंबई श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपति शकुंतला संघवी श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्यानंद सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाक लवनिया में ब्याह चोड़ीवाल परवर कलकत्ता श्रीमती सूरज देवी परिवार मुलंड मुंबई नांदेड़ महाराष्ट्र डॉक्टर किंसुकी विजेंद्र सुषमा जैन तेजस परिवार फरीदाबाद श्रीमती प्रेमलता रागेरिया जैन कोटा आई एल जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट राजस्थान निवासी परवास श्रीमती स्नेह विजय जैन पुत्र जैन पुत्र अदिति जैन पौत्र आदि अच्छे जैन सालीमार बाग दिल्ली निवासी तो परिवार से

बाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाद भयम त्रिडाक की साकी सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि सर्व राज भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व भयम

सार्वभौम धर्म नायक महात्मा भी सन्मति बीरा बिजन नामकर सिंह महावीर शासन प्रभावात्व दिन भक्ता सुखनो बुंतु ओम ह्रीम श्रीम क्लीमरम आद्या नमादे जम्बुदी पे मेरोज दक्षिण मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बुदी भत्नापूर्ति क्षेत्रे बीसंबर पच्चीस सौ अड़तालीस समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथ गुरुवासरे पूजावसरे विधिमाना यमसान दारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पूरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आर्स राष्ट्रगण चतुर्वेद संघ शांतिम करो मंगलम तनुस्वाहा हे षोडी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम दूर शांति शुभिक्षा मना सौभाग्यम अभिमतम अभिमत विद्या आरोग्यम श्रेय सौहादिष्ट्रहा सख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत्शाकद्रपाति कुर, कुर। नमः परमपवित सुगंधि जलेन जिनपद कथोपरी शानदारम कर चतुर्भि संगश भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक ना, नाम प्रशासक नाम चर्वशाति कुु कुष्टि कुष्टि कुछ महामारी निवारण कुरु गुरु लाभम विद्तलाभम चाहू गुरु बसठ स्वाहा जबले शांति कुंत रहनाथ भगवान की ऋषभदेव भगवान की जय उदा के चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदूप फुला की कई दवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन्नाथ में जे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नम शांति धारा सेकम करोमी अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंधसु अक्षत पुष्पचरुले मन हर्षाय दीप दूप फल अर्घ सु कर ना तथा नमदंग भजाये श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल मन मनमस्काय हे करुणा निध बोध करुणानिद याते में पूज उपृायम रीम एक सौ आठ फीट के देव भगवान के श्री चरणों में अर्घम नृपाती स्वाहा ओम रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजित नाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अभिनंदन नाथ पांचो तीर्थकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम नृपावी ति स्वाहा वसुद्रवसारी आनंदकारी दृक्पारी मोहतारी करुणाधारी या चक्रे सम चक्रेश चक्रे सम हे गुण देसम धाम मकरे सम ओम रीम भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ अरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान हसनापुर में जन्म लिए उनके चरणार्थिम के नृपाई ती स्वाहा जल फल वसु सजिय मथार तन मन मोद धरो गुण मोदुण तार पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सनमत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सनमतदायक हो ओम रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपाई ती स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप फलार फलार्घ कई दवल मंगल रवा गानकुले जिन गृहित नाजय ओम रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके प्रथम पट्टाचार आचार्य वीर सागर महाराज ज्ञानवती माता जी के दीक्षा गुरु उनके चरणार्ध्य में एवं समस्त दिगंबर जैनाचार्यों के चरणों में समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में एवं भारत में विराजमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्भा स्वाहा पिटी कमंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं का अर्षद्रव्यकर युग की पहली गानवती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है ओम रिम प्रमुख श्री ज्ञानमति माता जी चरण में स्वाहा आज शाथ भगवान का केवल ज्ञान दिवस है इस लक्ष्य में शंभो भगवान का अर्घ्य चढ़ाए कार्तिक बदी चौथी के मगसिर सिर नक्षत्र रहा मृग सिर नक्षत्रहाण समय उद्यान सहेतु कुशाल मलि के नीचे केवल सूर्य उदय शंभोजिन वर का अशोक वर समोह शरण शोभरा भ्रमण निवारण हेतु मैं पूज कृष्णा के कृष्णाचतु केवल ज्ञान ज्ञानकल्याण प्राप्त श्री शंभनाथ श्री <laughs> शंभुनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपाई ती स्वाहा <laughs> नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान बंदामी माता जी माताजी, माता जी वंदामी माता जी आज हमारे बीच में श्री नीतीश कुमार जैन लखनऊ से बना रहे हैं पूज्य माता जी के जन्मदिवस नौ तारीख को नहीं आ सके थे तो आज यहाँ पर आए हैं अभी पूज्य माता जी का पाठ प्रछाल भी करेंगे एक जारी लेके आओ पाठ प्रछाल की व्यवस्था कर दो बहन जी अभी श्री नीतीश कुमार जैन लखनऊ जिन्होंने मांगी तुंगी ऋषभदेवपुरम में बहुत सुंदर सर्वतोभद्र महल का निर्माण कराया और जिनके सौजन्य से शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर भरत भगवान की इकतीस फीट की प्रतिमा और उनका मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है ये प्रतिमा शीघ्र विराजमान होगी पंकजलालक कल्याणक होगा आज हमारे बीच में श्रेष्ठी श्री नीतीश कुमार जी पधारे हैं उनका संस्थान की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन पूज परि माता जी का मंगल उद्बोधन और उसके बाद अभी आपको ओम ओम नमः नमः सिद्धेम नमः सिद्धे ओम रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नम ओम विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नम ओम चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नम ओम चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय काम ओम श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तीर्थंकर कुंथुनाथंकर्यो नम दि� ओम श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तीर्थंकर कुंथुनाथीभ्यो नम ओं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नम ओम केवल ज्ञान जानने प्राप्त सार श्री संभवनाथ जी नेहराय नमः ओम रीम श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश ने नमः ओम रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेश ने नमः ओम रीम श्री शांति सागराचार्य आचार्य परमेश ने नमः ओम रीम श्री शांति सागराचार्य आचार्य परमेश ने नमः वद्यात नम जैसा कि आज संभवनाथ भगवान का केवल ज्ञान के संक्षेप में मैं आपको ले चलूं श्रावस्ती जो बहराइ जिले में है उत्तर प्रदेश में महाराजा धरणराज महारानी सुसेना भगवान का गर्भ का हुआ है फाल्गुन शुक्ला अष्टमी और जन्म लिया है भगवान ने कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को और दीक्षा ली है मक्षसिष्ठ शुक्ला चतुर्दशी को और भगवान को साहित्यिक वन में सावल्य वृक्ष के नीचे श्रावस्ती में ही आज के दिन कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और मोक्ष प्राप्त क्या है भगवान ने चैत्र शुक्ला षष्ठी को समय शिखर पर्वत से भगवान के समर्थर में चारू से नदि एक सौ पाँच गणधर थे मुनि दो लाख धर्मारिया गणि माता और राजकाय तीन लाख बीस हजार श्रावक तीन लाख श्रावकाय पाँच लाख भगवान के शासनदेव देव और यखी प्रज्ञप्ति देवी भगवान शंभवनाथ वर्तमान वीर निर्माण संबंध पच्चीस हजार अड़तालीस है इससे उनतालीस हज़ार पाँच सौ सैंतालीस वर्ष कम बीस लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष गए हैं बीस लाख करोड़ सागर पहले ये संक्षेप में मैंने आपको शंभवनाथ भगवान का चरित्र सुनाया आज भी वो श्रावस्ती तीर्थ प्रसिद्धि को प्राप्त और अनेक प्रकार से विकास की विकास में अग्रसर ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के चार चार करना से पवित्र श्रावस्ती तीर्थ की वंदना करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया सबय शिखर पर्वत थे अब हम आपको लेकर चलेंगे एक श्री कुंद कुंद का मूलाचार इस विषय में थोड़ी सी हमें चर्चा करनी है आप लोग बहुत ध्यान देंगे मूलाचार निर्माण संवत चौबीस सौ इक्यासी में पलटन से प्रकाशित आचार्य श्री प्रथमाचार्य महाराज जी की प्रेरणा से आचार्य जी की प्रेरणा से पंडित दीनदास जी फटकुले ने इसका हिंदी अनुवाद किया था इसकी दो टीकाएं उपलब्ध हुई हैं एक कन्नड़ में और एक मरा संस्कृत में कन्नड़ की टीका आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रेरणा से जिनदास पटकिले पंडित थे मेरा उनका विशेष परिचय रहा है हमारे सामने वो थे जब हमने सोलह पचहत्तर मास किया संपर्क रहा है परिचय रहा है उसका प्रकाशन हुआ वो कुंद कुंद स्वामी के नाम से प्रकाशित हुआ और पुनः से वसुनंदी आचार्य की टीका मैंने की इसमें टीका में सबसे पहले आ गया है शब्द भट्ट तो ये बटकेर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त था मूल में संस्कृत उसका हमने हिंदी अनुवाद किया था उन्नीस सौ छिहत्तर में और प्रकाशित हुआ ज्ञानपीठ से और मैंने उसमें आज वक्तव्य दिया कुंद कुंद का मूलाचार्य दोनों एक ही, ही हैं जो फलटन से प्रकाशित आचार्य महाराज की प्रेरणा से और जो ये दोनों एक ही हैं टीकाएँ है, दो हैं लेकिन फिर भी मेरा आदि वक्तव्य तो उन्होंने दे दिया लेकिन उसको बटकेर के नाम से दिया लोगों में प्रायः प्रसिद्धि हो गई अधिकतम कि मूलाचार दो हैं एक श्री कुंद, कुंद देव का और एक श्री बटकेर आचार्य का ध्यान रखें उसी में प्रस्तावना में दिया है जो जिसको बटकेर आचार्य के नाम से छपा है कि बटकेर नाम से कोई आचार्य नहीं थे कोई प्रसिद्धि को नहीं थे किन्हीं का नाम नहीं आ रहा है ये कुंद कुंद स्वामी का ही अपर नाम बटकेर होगा क्योंकि इन्होंने वृत्तिकार सटखंडा गमपर परिक्रम नाम से वृत्ति आदि लिखी है इसीलिए बटकेर के नाम से ही प्रसिद्धि को प्राप्त रहे होंगे और उसी मूलाचार में बटकेर स्वामी के मूलाचार में मूल में ही संस्कृत में एक पंक्ति है अंत में इति मूलाचार विवृत्तों द्वासोध्याय अंत में उसमें है और इति श्री कुंदकुदाचार्य प्रणीत मूलाचारा की विवृत्ति ही कृतिरियम वसुनंदिना श्रवण से अब इसमें कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं थी उन्होंने स्वयं लिखा है कि श्री कुंदकुदाचार्य विरचित प्रणीत मूलाचार की मैंने विवृत्ति लिखी है टीका लिखी है तात्पर्यवृत्ति नाम से और श्री वसुनंदी नंदिना श्रवणस्य वसुनंदी श्रमण की एक कृति है ऐसा उन्होंने स्वयं अध्याय के समापन में दिया है और वो छपा हुआ भी है मूल में मूल 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 जो प्रति है संस्कृत की उसमें छपा हुआ है फिर भी बटकेर के नाम से प्रसिद्ध होने से दो प्रतियाँ मानी जाने लग गई अब इसी पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी ये कुंद कुंद स्वामी का ही मूलाचार जिसका कि मैंने हिंदी अनुवाद किया था छपा हुआ है अब ये वीर ज्ञानंद ग्रंथ वाला जो हसरापुर से है उसमें हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने इसका पुनर्प्रकाशन किया है ये प्रति प्रकाशित हुई है कुंद -कुं स्वामी के नाम से अभी पूर्वार्ध निकला है उत्तरार्ध भी आपके सामने आ जाएगा इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मूलाचार सार नाम से पहली अध्याय में ही मूलाचार सार दिया है इसे खुलासा कर दिया है मूलाचार ग्रंथ एक है और इसके टीकाकार दो हैं श्री वसुनंदी आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती और श्री मेघचंद्राचार्य मेघचंद्राचार्य ने श्री मेघचंद्राचार्य ने कन्नड़ टीका की थी और वसुनंदी आचार्य ने संस्कृत ने कन्नड़ की टीका जो है उसका हिंदी अनुवाद कराया था आचार्य श्री सांसार महाराज ने वो मूलाचार्य नाम से प्रकाशित है और ये वसुनंदी आचार्य के टीका दूसरी है टीकाकार दो होने से मूलाचार दो नहीं हो गए ध्यान रखना है टीकाकार दो है अब मेघचंद्राचार्य पहले हुए या वसुनंदी आचार्य ये निर्णय कोई विद्वान नहीं किया ये निर्णय हम और आप नहीं कर पाएंगे जो भी है अब ये जो है इसमें एक बात आपको ध्यान में रखने की है जो वसु आचार्य की टीका में गाथाएं गाथाओं की संख्या है बारह सौ बावन बारह सौ बावन है श्री मेघचंद्राचार्य की टीका में गाथाओं की संख्या है चौदह सौ तीन ये गाथाओं में जो अंत अंतर अधिकतम ये पंचाश्तिकाएँ समय सार और प्रचन सार तीनों ग्रंथों में है तीनों ग्रंथों की दो दो टीकाएँ हैं एक अमृत सूर्य की और दूसरी जय की अमृत सूर्य की गाथाएँ है कम हैं और जय की गाथाएँ है अधिक हैं इसके लिए मैं प्रमाण आपको दिखाऊं तो आप समझेंगे कई इसमें ऐसे है प्रकरण जिसमें जो है गाथाओं की संख्या में अंतर पाया जाता है जैसे कि समय सार में आप पाएंगे समय सार में श्री अमृतचंद्र सूरी ने गाथाओं की संख्या मानी 415 और उन्होंने 415 गाथाओं की टीका की है अमृतचंद सूरी ने और श्री जयचनाचार्य मानी चार और उन्होंने उसकी टीका की है और अपने टीका में दिया भी है इसी श्री कुंदकुंदाचार्य विरचित समयसार प्राप्त विधान ग्रंथ से संबंधि श्री जयचनाचार्यकृता दशाधिकारे ही एकोन चौरिशत अधिक गाथा चतुचयन तात्प्रकृति समाप्ता उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि इसमें उनतालीस अधिक चार सौ गाथा अर्थात चार सौ उनतालीस गाथाएँ हैं अमृत चंद्र ने चार सौ पंद्रह मानी है ऐसे ही पंचाश्ती गाय में और प्रचन सार में भी अंतर है अमृत सूर्य की गाथाएँ कम है जैसे न सूर्य की गाथाएँ है, अधिक हैं उसी प्रकार से इसमें भी है अच्छा अब आप मैं आपको और भी ले चलूँ भूयत्थे नाभिगदा जीवा जीवाए पुण्य पावम से आसव समर निधर बंधो मोक्ष समत्तम ये गाथा समय सार में आई है श्री कुंद देव के कि भूतार से जाने गए जीव जीव पुण्य पाप आसव समर निद्रा बंध और मोक्ष ये नौ पदार्थ यही क्रम श्री गौतम स्वामी ने अपने प्रतिक्रमण में लिया है यही क्रम श्री कुंद देव ने लिया है समयसार में और यही क्रम मूलाचार की गई मूलाचार में भी ये गाथा एक जगह आई है भूयत्थे नाविगदा जीवा जीवाय पुणुवांत आशो समन निजर मुख्य सम्मतम ये गाथा मूलाचार में भी आई है ऐसे ही एक गाथा और है जो समयसार में, में भी आई है मूलाचार में भी आई है अरस मरूप मगंधम अवत्तम चेतना गुण मसदम ज्ञानिंगम गहनम जीव मनिधिठ संठानम ये गाथा जो है प्रवचन सार में भी है नियम सार में भी है पंचास्तिकाय में भी है समय सार में भी है और मूलाचार में भी है तो बात यह है कि आचार्य अपनी ये कोई गाथा प्रिय है अपने हर, हर, हरेक ग्रंथों में ले देते हैं तो इससे अनेक अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिसे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मुलाचार श्री कुंद गोस्वामी का है क्योंकि इसमें अंत में लिखा ही है वसुनंदी आचार्य ने कि श्री आचार्य कृत मूलाचार और वसुनंदिना श्रवणस्य कृति ही यम उन्होंने स्वयं लिखा है तो इसमें शंका की गुंजाइश ही नहीं रहती है इसलिए ये मूलाचार पूर्णार्ध श्री कुंदकु आचार्य वृत्त के नाम से अभी प्रकाशित हुआ है और इसका विमोचन अभी हुआ है अब मैं आपको ले चलूँ जो श्री आचार्य संसार जी महाराज की प्रेरणा से दिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था का प्रकाशन हुआ संस्था बनी इस ग्रंथवाला का नाम है श्री दिगंबर जैन दिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था आचार्य श्री संसार परम पूज चक्रवर्ती आचार्य सांसार, एक सौ आठ संसार महाराज के आदेश थे ये जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था इसका निर्माण हुआ था और इससे अनेकों ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं समयसार और मुनाचार और भगवती आराधना और सटखंडागम ग्रंथ आदि तो एक कुंद वीर निर्माण सम्बध चौबीस सौ इक्यासी में श्री कुंदुंदाचार्य विचित मूलाचार्य की भाषा टीका का प्रकाशन हुआ है और वीर निर्माण सम्मत चौबीस सौ इक्यासी लगभग सड़सठ छाछठ वर्षों का अंतराल इसमें आज है तो बात यही है ग्रंथ प्रकाशन समिति फल्टन फल्टन से प्रकाशित ये है हमारे यहाँ उपलब्ध है जो चाहे सो इसको मंगा सकते हैं इसका कॉपी बनाकर भेजी जा सकती चाहे फोटो कॉपी बात यही है कि इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सूर्य भंडार व ग्रंथ प्रकाशन समिति पल्टन इसकी स्थापना हुई है इस ग्रंथ प्रकाशन समिति की वीर निर्माण समय चौबीस सौ अस्सी में तो बात यही है आचार्य सिंह सांसार महाराज की प्रेरणा से एक ग्रंथ का ग्रंथमाला का स्थापन स्थापन हुआ है और एक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं इसके पेज का आप दर्शन करें एक पेज का आपको दर्शन कराया जाता है जिसमें आचार्य शांत महाराज का फोटो भी है और ग्रंथवाला का नाम भी है इस नज़दीक से आप दिखा सकते हो पकड़ करके हाथ से बात यही है कि ऐसे जो है मूलाचार प्रकाश कुंद कुंदाचार्य विरचित और जिंदा पार्शनाथ फटकुले शास्त्री न्याय कृत हिंदी अनुवाद सहित यह प्रकाशन हुआ है और इसकी समिति है शुर्थ। ग्रंथ सूर्त भंडार व ग्रंथ प्रकाशन समिति फल्टन जिला उत्तर सातारा ग्रंथ सत्य इसका नाम है संस्था का परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती श्री एक सौ आठ आचार्य शांति सागर जी दिगंबर जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था भव्यात्मा और इसमें जो है अब एक बात आप ध्यान में रखें इसका पहला मंगलाचरण श्लोक है मूल गुणे विशुद्धे वंदिता सब संजय सिरसा ये पर लोग हृद्य मूल गुणे कि तमी ये मंगलाचरण की गाथा है मंगलाचरण में लिया है श्री कुंदकुन देव ने मूल गुण से विशुद्धे बंदित सब संजय सिरसा ही पर लोक हृदय मूल गुणे, गुणे कि तय यही मंगलाचरण पूर्ण रूप में और सारी गाथाएं जो कि तो इसमें है बात यही है हमेशा ध्यान में आपको रखना है मूलाचार एक है श्री कुंदुदाचार्य की कृति है टीकाएं है, दो हैं एक श्री मेघचंद्र आचार्य विरचित और दूसरी श्री वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य द्वारा विरचित एक कन्नड़ की टीका है जिसका कि अनुवाद आचार्य श्री शांसार महाराज ने पंडित दीनदास फाटकिले से करा करके प्रकाशित किया था वीर निर्माण सम्भव उन्नीस में चौरासी में छपा हुआ है अनुवाद हुआ है और मैंने इसका अनुवाद किया है लगभग सन उन्नीस सौ सतहत्तर अठहत्तर में क्या है और ये प्रकाशित हुआ है प्रथम संस्करण तो बात यही है आप इस बात को ध्यान में रखें कि मूलाचार एक है और कुंद कुंदाचार्य की कृति है और उस पर टीकाएँ दो हैं एक कन्नड़ की टीका है तो इसका क्या अनुवाद कराकर आचार्य श्री शास महाराज ने प्रकाशित किया और दूसरी टीका संस्कृत में जो बसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती की थी उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया था वो अभी उसको यहाँ से प्रकाशित किया गया है तो भव्यात्माओं बात यही है कि टीकाकार दो होने से मूलाचार दो नहीं है इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इस मूलाचार में है क्या बारह अधिकार हैं मूल गुणों का अट्ठाईस मूल गुणों का पहले वर्णन है पुनः से उनकी समाचारी विधिवादी का वर्णन है और बहुत कुछ वर्णन है बारह प्रेक्षाएँ भी हैं पर्याप्ति अधिकार भी है तो बात यही है छठ आवश्यक क्रियाओं में मुनियों के जो कृतिकर्म का वर्णन बहुत ही सुंदर विस्तृ विस्तरार से वो कृतिकर्म का वर्णन छठ खंडागम के अनुसार बहुत ही सुंदर विवेचन था है दोदम जहाज आदम बारसावत मेव चतुशिर शुद्धिम चिदि अम्बम आदि एक कृतिकर्म में बारह आवर्त चार सिरोनति दो प्रणाम जिसमें होते हैं उसे कृतिकर्म कहते हैं ऐसे अट्ठाइस कृतिकर्म दिगंबर जैन परंपरा में मुनि आरिकाओं के, के माने हैं साधुओं के माने हैं पीछेधारियों के माने हैं ये मूलाचार और हमेशा ध्यान में रखें श्री देव ने पहले मूलाचार लिखा या पहले समयसार एक कोई निर्णय हम आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं प्रशस्ति नहीं है पंचाश्ती काय प्रवचन सार नियम सार मूलाचार समय सार और अष्टपाहौर ग्रंथ ये अभी कुंदकुंद कुंद देव के प्रसिद्धि को प्राप्त हैं अष्टपाहौड़ ग्रंथ में भी मैं आपको ले चलूं जरा चारित्र पाहौ में जो बारह व्रतों को जिस प्रकार से श्री गौतम स्वामी ने लिया है प्रतिगमण पाठ में पांच अनुव्रत तीन में चार शिक्षा व्रत में ही संलेखना को लिया है उसी प्रकार से श्री कुंद, कुंद देव ने अपने चारित्र प्रव्रत में लिया है बारह व्रतों में ही लिखना को लिया है और उसी क्रम से लिया है तो ये ध्यान में रख के सठखागम ग्रंथ उनमें वर्णित विषय नौ पदार्थ के हों चाहे बारह अनुप्रेक्षा के या और भी चार प्रत्यय आदि के ये श्री भूतबली पुष्पोधन भूतबली आचार्य द्वारा विरचित षखंडागम ग्रंथ और गौतम स्वामी की वाणी जो आज प्रतिक्रमण आदि के रूप में उपलब्ध है उसमें वर्णित विषय पदार्थ चार प्रत्यय आदि और कुंद कुंद स्वामी के द्वारा वर्णित समय सार में वही नव पदार्थों का वर्णन चार प्रत्यय आदि प्रत्यय चार हैं मिथ्या का और योग और यही क्रम श्री नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती इन चारों के द्वारा हमें एक समान उपलब्ध हुआ है छठ ग्रंथ ध्यान रखें आप श्री प्रसन्त भूतबल्ली आचार्य द्वारा विरचित श्री कुंदकुंद आचार्य के द्वारा विरचित स्वयंसार आदि ग्रंथ पाहुड़ ग्रंथ आदि ग्रंथ और श्री नेविचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा विरचित गोमरसार जीवकांड कर्मकांड आदि ग्रंथ और गौतम स्वामी की वाणी इन चारों में एक रूपता ही पाई जाती है हमेशा ध्यान में रखें तो इस प्रकार से मैंने आपको संक्षेप में बताया कि मूलाचार एक है आप हमेशा ध्यान रखें मूलाचार एक है टीकाकार दो हैं कन्नड़ की टीका का अनुवाद करा के आचार्य श्री सांसार महाराज ने फल्टन से प्रकाशित किया वो श्री कुंद, कुंद स्वामी के नाम से प्रकाशित हुआ है और बट के स्वामी के नाम से प्रकाशित जो हुआ ज्ञानपीठ से ये अलग अलग दो नहीं है एक ही है इस बात को ध्यान रखना अभी कुंद कुंद स्वामी के नाम से ही ये मूलाचार यहाँ आपने बेट ज्ञान ग्रंथमला से हमारे रवि कीर्ति ने प्रकाशित किया है इस बात को आप लोग ध्यान में रखें तो बात यही है कि हमें और आपको निर्विवाद स्वीकार करना है कि श्री कुंद स्वामी ने जो मूलाचार लिखा है वो दोनों एक ही हैं दो जगह से प्रकाशित हैं टीकाकार दो हैं टीकाकार दो होने से मूलाचार दो नहीं हैं और दो जगह से प्रकाशित होने से दो नहीं हैं दो टीकाकार हैं और यह अत्यंत प्रामाणिक दिगंबर जैन मुनि आरिकाएँ आदि की चर्या को वर्णन करने वाला अत्यंत प्रामाणिक महान विशेष ग्रंथ है भले ही <coughs> श्रावक को पढ़ने का इसका कोई वो नहीं है औचित्य लेकिन फिर भी पढ़ें तो कोई दोष भी नहीं है आज जो ग्रंथ प्रकाशित होते सब पढ़ते ही हैं और ख़ास करके आप वीर ज्ञान ग्रंथ वाला से इसे लेकर के साधुओं को भेंट करें साधुओं को देवें मुलाचार पहुँचाएँ क्योंकि अभी कुंदकुंद -कुं स्वामी के नाम से प्रकाशित वो तो वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं दक्षिण से प्रकाशित ऐसे श्री कुंदकुंद स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और मूलाचार ग्रंथ को भी नमन करते हुए आप सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद आज हमारे बीच में लखनऊ से आए हुए श्री नीतीश कुमार जी जैन बहराइज वाले वे परम पूज्य गणि ज्ञानमती माते का पाद प्रक्षाल कर रहे हैं शरद पूर्णिमा के पर्व के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसे महान आत्माओं का तो जितने दिन भी प्रतिदिन हम उनके जन्म दिवस को याद करें वही महत्वपूर्ण तो है तो करिए चरण प्रक्षाल करिए ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं गण प्रमुख श्री मातु पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा ओम रीम गणिनी प्रमुख श्री मातु परम पवित्रता जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा ओम रीम गणिनी प्रमुख श्री मातु परम पवित्रता दुग्धेन पाद प्रक्षालौमी स्वाहा जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ग्ञानमती माता जी की जय इन नीतीश कुमार जैन की ओर से ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में उसी परिसर में बहुत सुंदर सर्वतोभद्र महल बनाया गया है जिसका दर्शन आप सब लोगों ने अभी महामस्ताभिषेक के समय जून 2022 में किया है और शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर भगवान भरत की प्रतिमा जो 31 फुट उत्तुंग है ऐसे भगवान भरत की प्रतिमा ग्रेनाइट के 31 फुट उत्तुंग खड़गासन प्रतिमा का निर्माण भी नीतीश जैन की ओर से हुआ है और पूज्यकण्य ज्ञानमती माता जी के अयोध्या पहुँचने पर वह प्रतिमा विराजमान होंगी और उनका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी चलेगा तो ऐसे पुण्यात्मा जीव अपनी शक्ति का तन मन धन की शक्ति का जब सदुपयोग करते हैं तो तीर्थों के जीर्णोद्धार विकास होते हैं और उनके पुण्य का कोष भी भर जाता है आज के इस पावन अवसर पर संस्थान के पीठाधीश स्वस्ती श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी जम्बूदीप का सुंदर मॉडल नितीश जी के करकमलों में भेंट कर रहे हैं सम्मान में ये जम्बूदीप ब्रह्मांड का नक्शा अभी आप सब लोगों ने पारस चैनल के माध्यम से कितना सुंदर जम्बूद्वीप का अलौकिक दृश्य देखा ये एक नगर बस गया है हम लोग भी जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका प्राकृतिक सौंदर्य वास्तव में मानव निर्मित स्वर्ग की उपमा को सा, आ, साकार ही कर रहा है जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने कहा जम्बुद्वीप के लिए अनपैरल क्रिएशन एज ए मैन मेड हैवन मानव निर्मित स्वर्ग का रूप इसे दिया गया ऐसे जम्बूदीप की रचना का परिसर आपने पूरा देखा कितना सुंदर तेरा दीप जिनाले कितना सुंदर कमल मंदिर और 250 फीट डायमीटर में निर्मित जम्बूदीप की रचना जिसमें लवण समुद्र है उसके अंदर नाव चलती रहती हैं और उसमें बैठ करके भी प्राकृतिक सौंदर्य को भक्तगण निहारते हैं और भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं तो ये आप सबका एक सौभाग्य है कि धरती पर जहाँ पर प्राचीन इतिहास बीत गए भगवान देव के आहार का भगवान शांति कुंत नाथ के चार चार कल्याणक का रक्षाबंधन का महाभारत का ये सारे इतिहास जहाँ बीत गए उस नगरी में इतिहास और भूगोल दोनों को दर्शाया गया है तो आप ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जंबुदीप अतिशय क्षेत्र का दर्शन कर रहे हैं ये पूरा 50 एकड़ के अंदर नगर बसा हुआ है जिसके अंदर मंदिरों के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के साधन यात्रियों के ठहरने की खूब सुंदर व्यवस्थाएं हैं जहां आकर के लोग प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेते हैं और एकदम निश्चिंत होकर के भगवंतों के दर्शन करके गदगद गद हो जाते हैं जा मंदिर दिखा ऐसा ध्यान मंदिर जहाँ बैठ करके क्षण भर के लिए परम शांति की अनुभूति होती है ऐसा तीन लोग जहाँ पर जा कर के नरक त्रियंश गति के दुखों का वर्णन देखते देखते मनुष्य को लगता है कि हमें तो स्वर्ग में जाना है नरक में नहीं जाना है और मध्यलोक में मानव के रूप में जन्म लेकर तपस्या करके मोक्ष भी जाना है ये सुंदर जिनाले विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर क्या नज़ारा है इसका सूरज की पहली किरण जब इस मंदिर पर पड़ती है तो वे बिल्कुल दूध के समान धवल ही धवल बेदाग पत्थर लगा हुआ है और सुंदर इस जम्बुदीप के गेट से ही आप अगर शुरुआत करेंगे चक्रवर्ती तीनों भगवान की दिग्विजय की सेना है चौदह रत्न नौ निधियाँ धर्म चक्र जो भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक में उनके आगे आगे चलता था ऐसे धर्मचक्र जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा तेरा तेरा सुंदर स्वर्ण शिखरों से समन्वित स्वर्ण कलशों से समन्वित यह जिनालय धरती पर अकृत्रिम रचना का रूप दिखा रहा है जहाँ हजारों हजार मालाएं लटक रही हैं सैकड़ों भगवान की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं अष्ट प्रातिहार्य मंगल द्रव्य सरस्वती लक्ष्मी सानत कुमार सर्वाणी यक्ष की मूर्तियाँ जलते हुए धूपघट मंगल कलश क्या क्या चीज आप जब देखेंगे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी ऐसा अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक और बीज का जो सावरण शिखर है चौवन बाई चौवन फुट डायमीटर का उसको तो देखते ही बनता है उसमें सरस्वती माताएं, खड़गासन के रूप में सरस्वती माता की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं ये भगवान तीनों भगवान के पीछे महामंडल लगाने का सौभाग्य हमारे कुलाधिपति सुरेश जी जैन मुरादाबाद को प्राप्त हुआ कितना सुंदर सोने का काम और भगवान सुशोभित हो रहे हैं ये तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदों से समन्वित अपने वैभव का प्रदर्शन करके ये बता रहे हैं कि इस वैभव को छोड़ करके जब तपस्या की जाती है मुनि दीक्षा धारण करके तो ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है तो तीन तीन भगवान के चार चार कल्याणक से पवित्र हस्तिनापुर नगरी में हजारों हजार लोगों ने आकर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का जन्म जयंती महोत्सव मनाया दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जम्बूद्वीप के अठहत्तर कृत्रिम चैत्यालयों का जो अभिषेक किया वह नज़ारा एक ऐसा था कि रिमझिम बारिश होने के बावजूद भी उस समय बादलों ने बिल्कुल अपना स्वरूप समेट लिया और सूर्य देवता निकले और सभी भक्तों ने इतना सुंदर अभिषेक किया शांति धारा किया जम्बूदीप के चैत्यालयों की महापूजन किया और उसके बाद पूज्य गणी ज्ञानमती माता का जन्म जयंती महोत्सव मनाया तो ऐसे ही पावन तीर्थ की वंदना आप सबके लिए खूब मंगलकारी हो जब भी आपको समय मिले तो जरूर जरूर हस्तनापुर तीर्थ की मानव निर्मित स्वर्ग की उपमा को धारण करने वाला ऐसा तीर्थ इसके दर्शन जरूर करें और तीनों भगवान के चरणों में नमन करके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए भावना भाई शांति कुंथु अरेनाथ तीन लोक के के हैं नाथ तीनों जिनवर को तीन बार नमन है शांति कुंथु अरहनाथ तीन लोक के हैं नाथ तीनों जिनवर को तीन बार नमन है तीर्थंकर चक्रवर्ती काम देव हैं तीर्थंकर चक्रवर्ती काम, तीर चक्र काम ये तो सभी देवताओं के भी देव हैं तीनों पदवी से सनाथ तीन लोक के, के हैं नाथ तीनों जिनवर को तीन बार नमन है शांति कुंथु अरहनाथ तीन लोक के, के हैं नाथ तीनों जिनवर को तीन बार नमन है तीनों जिनवर को तीन बार नमन है तीनों जिनवर को तीन बार नमन है